प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। नेता राजनेताओं द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और पवाई विधानसभा के पूर्व विधायक पंडित मुकेश नायक भी इन दिनों क्षेत्र के दौरे पर है। बुधवार को उन्होंने बटखेरा, सरसेला, बिल्हा, चादनपुर, एम्बलिया, खमरिया आदि गाँव का भ्रमण किया। साथ ही गांधी चौपाल भी लगाई। ग्रामीणों की समस्या भी उन्होंने सुनी। साथ ही उन्होंने विश्राम गृह में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा करते हुए बताया कि क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे राशन का सही समय पर ना मिलना, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, कियोस्क में कमीशनखोरी आदि की समस्याएं बनी हुई है। इस पर जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। उसी में भविष्य है, उसी में पिछली बात है। तो अपन निरंकुश नौकरशाही, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। अनाज समय पर नहीं पहुंचता, दो तीन महीने बंटता नहीं है। और जो शासन के द्वारा निर्धारित जो हितग्राही योजना में जो अनाज की मात्रा है वो भी नहीं पहुंचती है। रात में 2 बजे बिजली आ रही है। इतनी ठंड में किसान 2 बजे रात में कौन सिंचाई करेगा, बताइए आप।